हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया ही रहना चाहिए। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलविस यादव की। बिल्कुल रिसेंट, बिल्कुल अभी की एक नई कंट्रोवर्सी चालू हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख लो जिससे मतलब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और पूरा का पूरा मैटर क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आपको बताया था कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उससे रिलेटेड ये कॉन्ट्रोवर्सी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो शॉर्टकट में। भाई साहब हैं जो पाकिस्तान से, उनका नाम है मोमिन जी। तो बदल गया, जज्बात बदल गए। वो वाला वर्ल्ड कप का जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का न्यूयॉर्क में, इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है जो बर्मिंगम में होने वाली है इंडिया, उसे को गलत फहमी का तो कोई सोल्यूशन नहीं। हमारे युवराज सिंह भाई है, हमारे रैना भाई साहब जो देखे हैं आप न्यूयॉर्क में भी आ रहे हो, आप बर्मिंगम में भी। मैं ट्राई करूंगा यूएस आने की भी और बर्मिंगम आने की भी, आपकी टीम को हारते हुए देखने। और तब मैं आपको हाथ मिला कैसे बोलूंगा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। तो भाइयों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी, इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जो मोमिन भाई हैं जिनकी आपने फ़ोटो वगैरह या रील्स देखी होगी जिसमें वो बोलते हैं जब पाकिस्तान हार जाता है कि ये यहाँ पे पिज़्ज़े खा रहे हैं, यहाँ पे बर्गर खा रहे हैं, ओ भाई मारो मुझे मारो, ये वाला डायलॉग आपने सुना होगा, पहले बहुत फेमस हुआ था। तो कुल मिला के जो मोमिन भाई हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक रील बना रखी और उस रील में उन्होंने बोल रखा है कि इंडिया हारेगी, एंड एलविस यादव को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो एलविस यादव ने उस चीज़ पे जो है वीडियो बना के ये बोला कि सुरेश रैना, युवराज सिंह और बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे आने वाले हैं, हमारी इंडिया नहीं हारेगी, इंडिया जीतेगी और दोनों जगह जो मैच हो रहे हैं दोनों जगह मैच में जीतेगी। देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई सीरियस कंट्रोवर्सी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आईसीसी वाले हैं, जो वर्ल्ड कप वाले हैं, उन्होंने इनको मतलब खुद बोला होगा कि इस चीज़ पे वीडियो बना दो ताकि हमारा जो ये गेम जो चल रहा है अभी इसकी थोड़ी हाइप और बढ़ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि एलविस यादव ऐसे किसी से फालतू में भाई कंट्रोवर्सी करते हैं नहीं वो, और ना ही मोमिन भाई जो पाकिस्तान के बंदे हैं वो करते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है ये जो कंट्रोवर्सी है बिल्कुल सीरियस है या फिर ये फेक कंट्रोवर्सी है, आप मुझे ज़रूर अपनी कमेंट में राय बताएं। ठीक है, हो सकता है ये रियल भी हो तो फिर उसका कुछ कह नहीं सकते, बट मुझे जो लगता था वो मैंने आपको बता दिया। और आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, और लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट कंट्रोवर्सी और लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लेटेस्ट न्यूज़ इस पर आती रहती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।